साहब, आपने भी अपनी फैमिली बच्चों की परवरिश में कोई हाथ बटाया बेगम का, कि सिर्फ बेगम ने अकेले की है? नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा, इसको कोई सैड बात मैं करना नहीं चाह रहा, मेरे साथ ये था कि अल्लाह ने 3 दफ़ा जो दिए वो नहीं रहे, तो अब मैं खुद बचा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। चले जी, इसी बात पे हम ले रहे हैं एक ब्रेक। दिल तो बचा है, यू स्टे विद अस। टाइम्स, और आपके साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। ईद का दिन है भाई, तुम लोग कुछ खिदमत कर रहे हो मेरे मेहमानों की कि नहीं? ये कंजूस से शेफ लग रहे हैं। ये अलायका है जी, इस कैफे की ओनर है, और ये मेरे मेहमान, तुम जानती होगी, तुम अलायका है ना? हम एक प्लेट में खाएंगे, मोहब्बत बढ़ती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, हम भी फिर एक प्लेट कर लें? नहीं, मतलब खा सकते, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे बहुत सीनियर है। Anyways, मियां बीवी भी खा सकते हैं और बहन भाई भी खा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, देखिए ना, ईद का दिन है, कुछ मेहमान हमारे देर से आ रहे थे, तो हमने सोचा उनको भी बुला ही लेते हैं सजने सवरने में। अक्सर खवातीन को देर हो जाती है, क्यों नहीं साहब? नहीं, आजकल मर्दों को भी होती है। अभी पता चल जाएगा कि किसको देर हुई, किसको देर हुई है, देख के पता चल जाएगा। अच्छा जी, जिस कपल को हम बुलाने वाले हैं, वो कपल आजकल हमारी टीवी स्क्रीन पर, यानी ए प्लस की टीवी स्क्रीन पर छाया हुआ है। हिना मॉर्निंग शो कर रही हैं, और सलमान, उनको तो सब जानते हैं, वो न्यूज एंकर हैं। मैं दावत दे रही हूँ हिना सलमान और सलमान हसन को। आपने भी क्या कहा कि आमतौर पे खवातीन जो है वो लेट कराती है, इस दफा खातून ने नहीं लेट कराया, मैंने कराया, क्योंकि आपको पता है कि ईद वाले दिन हमें भी न्यूज में होना पड़ता है, वो मजबूरी है। मैंने कहा जी, मैं जरा 4 खबरें पढ़ता हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ, इन्होंने इंतजार किया और आप लोगों से बात किया बैठ के। लेकिन मुझे लग रहा है आपने खबरें कम और फेशियल ज्यादा करवाया। नेचुरल ब्यूटी है। नहीं, नेचुरल है ये नहीं, ये तो मुंह धुलवाने के बाद पता चलेगा, ऐसा ही मुंह निकलेगा। अच्छा चले, फिर मुकाबला हो जाए, सबका करा ले। बिल्कुल नहीं, आप मेरे मियां का ना, मैं बोला कि तू खाना ना थोड़े। नहीं नहीं, चलो जी, लेट्स जस्ट। अच्छा, मैं समझा मुंह धोने का मुकाबला। नहीं नहीं, हां मुंह नहीं धुलवा रही, मैं कह रही हूं बैठ के। अच्छा, बैठ के। आइए जी, आइए सर, आइए सर, आइए आइए। थैंक यू। अच्छा भाई, इनसे तो गुफ्तगू हमारी चल रही थी, ये बताओ है ना कि ईदी कितनी मिलती है? असल बात बता दूं? हाँ, असली बतानी है। ये तो पूछा ही नहीं आपने, किससे? किससे मतलब इनसे। अच्छा, इनसे। हाँ। मुझसे पूछते, मैं मेरे से कितनी मिलती है सलमान को? आप भी? हाँ, मैं बिल्कुल। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी अनयूजुअल बात है, चलिए बताएं। बड़ी बात हो गई कि बीवी ईदी दे रही है। हाँ, जमाना बदल गया है, टाइम बदल गया है। अच्छा, बाय द वे, कितनी ईदी देती होंगी? हाँ, ये एक राज की बात है। वो आप बता रहे हैं? वो मैं नहीं बताना चाहूंगा। यार ये क्या बात है, ये तो आप मतलब... उसका रीजन ये है कि मैं जो इनको देता हूँ ना, वो फिर पलट के वापस आ जाता है, शायद ज्यादा ही। लो भाई, देखो सच्ची बात तो ये है, कर्नल रैम्बो साहब भाभी से डरते हैं ना, मैं डरता हूँ, यहाँ कुछ उल्ट लग रहा है। आप इसको कन्फर्म कैसे कर सकते हैं कि आप नहीं डरते? कैसे कंफर्म कर सकते हैं? नहीं, नहीं, हम कैसे कंफर्म करेंगे? हम इस तरह कंफर्म करेंगे कि बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये है नहीं। यानी आप जोर लगा रहे हैं बहुत खुश दिखने का। दुनिया का हर शरीफ इंसान हाँ बेगम से डर। हाय हाय, क्या बात है। इसका मतलब है कि ऐसी दो में बदमाश। देखिए आपका ना आज जरा मुकाबला काफी टक्कर का है। मेरा इनसे कोई मुकाबला नहीं है, ये अजीम लोग हैं। और मैं बड़ा आज खुशकिस्मत फील कर रहा हूँ कि मैं नय्यर साहब के साथ, और खैर अफजल भाई के साथ तो खैर रहा है, मतलब यानी कि कहीं ना कहीं इसी तरह ईद शोज में, लेकिन ये कि इसमें कोई शक नहीं है, जो देखने वाले जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह, these people they are superstars of and indeed in matlab bahut, lekin aap bhi apne kaam ke superstars hain, isme koi wo bhi bada mushkil kaam hai, bilkul ye alag baat hai ki roz bhabhi se daant kha ke aate hain kaise। acha aapko ek mein kaisa lagta hoga jab bhabhi aur aapki ladai hoti hai aur uske baad aake aapko news padhni padti hai, kya karte hain? kaisa lagta hai
दुआ करता हूँ कि वही खबरें आए जिसमें कहीं गुस्सा दिखाना पड़े, गुस्सा यहाँ उतार देते, यहाँ पर उतारना पड़े। लेकिन एक बात जो हकीकत है, लड़ाई हर घर में होती है, नाराजगियाँ होती हैं, लेकिन हमारे घर में जब भी कोई नाराजगी, कोई भी इस तरह की अनबन होना, हमेशा ही मनाने में ये पहल का। हाँ, ये तो अच्छा सच बोला सलमान, असल में बाजी ईदी भी दे दे ने मनाते भी ने मनाते भी आप फुल पैम्पर्ड चाइल्ड चल रहा है भाई, पैकेज पूरा है ना, पैकेज पूरा है भाई सलमान, इसका मतलब आपकी तो लॉटरी लगी हुई है, हम दोनों की लगी, माशाल्लाह दैट्स लवली। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों में से गुस्सा किसे जल्दी आता है? मुझे, इनको बहुत गुस्सा आता है, हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं ये, हर वक्त। अच्छा ये कोई सोच में नहीं सकता कि रैम्बो गुस्से में रहते हैं जो हर वक्त हर किसी को हंसाते रहते हैं। शुक्र है कि वो थोड़ी देर का होता है, अच्छा कुछ मिनट्स का होता है, अच्छा लेकिन वो आपका स्टार क्या है? ख्याल आता है कि नहीं, आपका स्टार क्या है? लियो, नो वंडर हमारा बेटा लियो है, ये कौन पता है, मेरा स्टार भी लियो है। आप दोनों लियो हैं? हाँ जी, मैं प्योर वाली हूँ, ये थोड़ा नहीं, मुझे एक बात सच्ची सच्ची बताएं, बर्तन कितने टूटते हैं घर में? नहीं नहीं उस तरह की बात नहीं, ये लियो और कैंसेरियन दोनों नहीं तोड़ते मैं, ये भी लियो कैंसर का कस्प है, कस्प है हमारा भी, इनका भी है। 22 जुलाई, 22 जुलाई जी, ये तो बर्थडे भाई नहीं है, ओए दो शेर बब्बर शेर, बब्बर शेर, एक मिनट, दो शेर बब्बर शेर, लेकिन बीवियों के सामने ढेर बब्बर शेर मजबूरी है, बब्बर ढेर भी हो सकता था। रैम्बो भाई गुस्से में बर्तन इसलिए नहीं तोड़ते कि लाने उनको ही पड़ता है, ये भी बात, वो बचत करते हैं। नहीं ये एक टाइम था जब मेरी बड़ी बेटी लियो है और वो उसके हाथ में अगर उसे गुस्सा आ रहा हो तो वो जो चीज होती है ना फेंक देती है। मैं एक टाइम था बहुत चीजें तोड़ी हैं, अब मुझे गुस्सा आता है लेकिन उस तरह का नहीं, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता और मैं झूठ ना बोलता हूँ ना सुनना चाहता हूँ, वो उस वक्त मेरी, उस वक्त मुझे कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल। लेकिन एक और भी बात है कि अब चीजें महंगी भी हो गई है ना डॉलर में पार लग गए। अच्छा ये बताएं आप दोनों में से ज्यादा लेजी कौन है? मैं, ये आप लेजी हैं? मैं तैयार ही नहीं होता भाई, तैयार होने में वैसे कोई काम, यहाँ भी यही मसले हैं, हर बार लेट, हर जगह लेट, यानी कि सुबह अगर किसी जगह पे मेले में बिछड़े हुए भाई मिल गए, अपनी बर्थडे पे लेट, अपनी एनिवर्सरी पे लेट, अपनी मंगनी वाले दिन फ्लाइट मिस कर दी, वहाँ भी लेट। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, कराची से आ रहे हैं और फ्लाइट मिस, मुझे फोन आया फ्लाइट मिस होगी, मैंने कहा तो अब क्या होना है, कहते हैं मैं बस आ रहा हूँ दूसरी फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ, और मैं यहाँ तैयारी हो रही थी, सारे घर में तैयार हो रहे थे, फ्लाइट भी लेट, हमने लंदन से भी हमने फ्लाइट छोड़ी हुई, हमने दुबई से भी छोड़ी हुई, सलमान साहब पता नहीं कहीं बाथरूम में बैठे हुए हैं लेट नहीं ले, इतना लेट नहीं है मुझे एयरपोर्ट जाना है तो मैं 3 घंटे पहले जाता हूं, माशाल्लाह नहीं हम इतने लेट नहीं है, इसमें आप नंबर ले गए। आप दोनों में से गुस्सा किसे जल्दी आता है? सलमान को। अच्छा शॉपिंग कौन ज्यादा जल्दी करता है? मैं। और जल्दी ज्यादा कौन करता है और ज्यादा कौन करता है? मैं। दोनों चीजें ही है। अच्छा आपको शॉपिंग, मैं नहीं, शॉपिंग का मतलब वही वाली बात, महंगाई इतनी हो गई अब शॉप जरा, मैं बताती हूँ सलमान, सलमान अगर आप मॉल जाएंगे ना तो 50 दुकानों में 50 चीजों को ऐसे देखेंगे जैसे इसने सलमान को थीसिस लिखने जाके, और हम होते ना हम जल्दी जाएंगे हम पिक करेंगे जिसमें ये लेना ये लेना सलमान, और फिर घर आके कहेंगे काश मैं उस शॉप पे जाके वो चीज़ खरीद ही लेता, फिर मुझे बताओ कैसा लगता, फिर उसकी पूरी हम एक सिनॉप्सिस स्टोरी बनाते हैं घर में बैठ के, फिर हम जाते हैं और फिर भी हमें नहीं लेते, फिर मैं जाके ले आती हूँ। नहीं यार साहब देखें फैसला करे सोच समझ के इंसान और फिर उस पर कायम रहे। मेयर साहब आपको ज्यादा गुस्सा आता है या भाभी को? मेरी बीवी को ज्यादा गुस्सा। उनको ज्यादा गुस्सा आता है? हाँ। अच्छा और आप ठंडे मिजाज के? नहीं मैं इन बिटवीन हूँ, गुस्सा भी आता है लेकिन मैं चीजों को जल्दी समझ जाता हूँ। नहीं मैंने इनको बड़े अरसे से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं 20-25 साल तो हो ही गए, मैंने इनको सेट पे कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैं समझ जाता हूँ और फिर बड़े हर लिहाज से दूसरे चीजों को मैनेज, देर हो जाए सवेर हो जाए बुला के बिठाया हुआ है ये नहीं बोलेंगे, काम करवाया नहीं करवाया, जल्दी जाना है कुछ नहीं, नहीं यार साहब अपने मजे में चिल। अच्छा ये बताएं आप में और आपकी बेगम साहब में कौन ज्यादा लेजी है? लेजी हम दोनों नहीं, अब दोनों एक्टिव हैं, क्या बात है। और शॉपिंग का शौकीन कौन है? दोनों, दोनों शौकीन है। फर्क ये है कि मेरी बीवी जाएगी से चीजों को देखती रहेगी देखती रहेगी, फैसला नहीं कर पाती, मैं जाऊंगा भाई ये ले लो ये है बस ठीक है। आप लोगों में ऐसा कौन करता है?
ये या तो शॉपिंग नहीं करते, करते हैं तो फिर बहुत सारी करते हैं, एक जैसी चीजें ले लेते हैं, एक जैसी, मतलब एक ही टी शर्ट पे चार रंग ले लेंगे।